चैनल आई पंजाब देख रहे समूह दर्शकों नूं सत श्री अकाल। पटियाला तो थोड़ी दूर चीका रोड ते पैंदे कस्बा बलबेड़ा विखे स्थित स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल एक निवेकला स्कूल है जिथे बच्चों नूं प्ले वे मैथड राही पढ़ाया जाता है। बच्चों नूं होमवर्क नहीं दिता जाता अते ना ही भारे भरे बैग बच्चों नूं मोढ़ियां ते चुकने पैंदे हन। स्कूल दे निवेकलेपन की गल करिए तां बहुत कुछ निवेकला है, पर एक एक्टिविटी जो हर महीने करवाई जाती है वह बहुत यूनीक है, जिस विच बच्चों की दिलचस्पी अंग्रेजी भाषा विच वधाउण लई ते इंटरनेशनल भाषा अंग्रेजी नाल बच्चों का अपनापन पैदा करन लई टॉपर बैच मुकाबले करवाए जाते हैं। जेतु बच्चों नूं मिस्टर या मिस एलोकेंट का खिताब दिता जाता है। इस दौरान किसी अजिही पर्सनैलिटी नूं स्कूल विच बुलाया जाता है जिसने समाज विच नामना खटिया हुंदा है। बीते दिनी इस तरह का प्रोग्राम स्कूल विच करवाया गया जिस विच मुख मेहमान के तौर पर कोलंबिया एशिया के चीफ नर्सिंग सर्विसिज मैडम साधना मंजूदार ने शिरकत की। उन्होंने बच्चों नूं बैच लगा के खिताब दिते। प्रोग्राम तो बाद मैडम साधना ने प्रबंधकां अते अध्यापकां दी प्रशंसा कीती। मेरा नाम साधना मजूमदार है, मैं कोलंबिया एशिया विच चीफ ऑफ नर्सिंग एस काम कर रही हाँ। तो अच मैनू मिस्टर जितेंद्र कांसल एंड निशा कांसल एंड रितु अरोड़ा प्रिंसिपल इस स्कूल दे द स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल मैनू उन्होंने इनवाइट किया फॉर गिविंग बैच मीनस एलोकेंट बैजिज देन वास्ते। एंड मैनू इस स्कूल की कंसैप्ट बहुत ही अच्छी लगी। ये स्मार्ट क्लासिज है, प्ले ग्राउंड है, स्पोर्ट्स अकैडमी हैगी है एंड उन्होंने स्पैशली इंग्लिश तो अलावा फ्रेंच भी स्टूडेंट्स नू पढ़ाते हैं इतने, तो मैं बहुत ही अच्छा लग्या हैगा इतने आके। थैंक यू। एंड होर भी लाइक संस्कृत भी, यानी कि असी अपनी रूट्स नू भी नहीं भुले, असी तो गुरुमुखी भी हैगी है। दैट्स ऑल मीन्स द कंसैप्ट इज रियली गुड, बहुत ही चंगा लग्या मैं इतने आके। स्कूल दे डायरेक्टर मैडम निशा कांसल ने मुख मेहमान का धन्यवाद किया। सत श्री अकाल जी, मैं निशा कांसल डायरेक्टर स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल बलबेड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल अच मैं मैम मिसिज साधना मैम का थैंक यू कर रही हाँ साढ़े स्कूल के विजिट करने लिए। अच एक इतने एक छोटी जी एक अपने को एक जो असी हर मंथ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं दैट इज़ मिस्टर एंड मिस एलोकेंट। उस होंगे वी आर गोइंग टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, तो उस चीज़ में एक्टिविटी मैम अगे होर बच्चों कॉन्फिडेंस लैवल उन्होंने इनक्रीज़ करने लिए मैम साढ़े को आए ने। अच शी इज़ चीफ नर्स ऑफ कोलंबिया एशिया। नर्सिंग एक प्रोफेसन इदा हाँ इट सैल्फ जोड़ा कि समाज की सेवा दे समर्पित हुंदा। मैनू लगता कि उस तो उपर प्रोफेसन जी समाज की सेवा लिए कोई हो नहीं सकता। तो मैम की होर बहुत जी मैम की परसनैलिटी है वह मैम की लाइक मैम आर्कीटेक्ट लैफ्टिनेंट फ्रॉम आर्मी एंड स्पोर्ट्स ऑलसो, मतलब असी ये चाहते हैं कि इदा दिया जो परसनैलिटीज़ हैं साढ़े स्कूल दे विच हर मंथ असी बच्चों इनकरेज करन लई इनवाइट करते हैं ताकि साढ़े बच्चे लाइव एक प्रैक्टिकली उन्होंने देख के सोचन कि हाँ जो चीज़ वो सोच रहे ने समाज दे विच इदा दे परसन है जिन्होंने मिलन उन्होंने जो क्वेरीज हैं जो क्वेश्चन है बच्चे मैम तो पूछन अपने आइडियाज़ उन्होंने खुद लैन वो आइडियाज़ मैम तो ताकि उन्होंने पता चले एक्चुअली जो असं उन्होंने कह रहे हैं एक्चुअली इट हैपनज इन सोसाइटी ताकि उन्होंने अचीव कर सकते हो टारगेट्स में। दैट्स इट। दोबारा फिर मैं अपने प्रिंसिपल मैम रितु अरोड़ा शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग मैम दे जिहड़े असी मिलके जो स्कूल लई बच्चों लई समाज लई करना चाहते हैं। चेयरमैन सर मिस्टर जितेंद्र कांसल जी, मतलब हर टाइम असी 24 घंटे इस स्कूल दे लई अपने बच्चों लई कम करन लई फुल एनर्जेटिक रहने असी। धन्यवाद। प्रिंसिपल डॉक्टर रितु अरोड़ा ने स्कूल दी भविष्य योजनावां बारे जानकारी दित्ती। एज अ प्रिंसिपल आई वुड लाइक टू थैंक मैम साधना मजूमदार, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई रियली थैंक कि मैम ने इतने प्रेशियस टाइम में से अपने इतने टाइम निकाला मेरे स्कूल में आने के लिए, तो रियली थैंकफुल मैम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलरेडी निशा मैम हैज़ एक्सप्लेन मच अबाउट हर पर्सनैलिटी। आई जस्ट वुड लाइक टू पुट द लाइट अपॉन आर फर्दर प्लानिंग्स
Next year we are introducing class 8 and consecutively next year we would be introducing class 9th and 10th again from ICSE pattern. In 2020 we would be completing our school up to grade 10th, and as a principal I just again conveying my views to parents to please cooperate with the new concepts as already explained by ma'am. So your cooperation is highly solicited. Thanks a lot. ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਲਬੇੜਾ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਲਟਪੁਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।